खबर मध्य प्रदेश के लटेरी से है, जहां एक अतिथि शिक्षक ने वेतन की मांग को लेकर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। दरअसल मुलवास और रोसल्ली क्षेत्र के अतिथि शिक्षक बीईओ ऑफिस पहुंचकर वेतन की मांग कर रहे थे। इसी दौरान एक अतिथि शिक्षक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद अतिथि शिक्षकों ने बीच बचाव किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अतिथि शिक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि बीओ ऑफिस के बाबू की लापरवाही के चलते उन्हें एक महीने का वेतन दिया गया, जबकि अन्य अतिथि शिक्षकों को चार चार माह का वेतन दिया गया है, जिसके चलते शिक्षक सुनील शर्मा ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। अतिथि शिक्षक सुनील गुलवास के हाई स्कूल में अतिथि शिक्षक हैं। लटेरी से शफीक खान की रिपोर्ट। यहाँ पर अतिथियों को जनवरी तक का वेतन नहीं मिल पाया था, बंटन सरकार से मांगा था, बंटन फरवरी के मान से बंटन मांगा था, 3 करोड़ से ऊपर कुछ 63 लाख बंटन मांगा था। बंटन वहाँ से आया, हमारे बाबू ने बंटन देकर नहीं, और नहीं बंटन ना देखने के कारण उसने ना बिल जनवरी तक का बना दिया। तो 3 रेडियो हैं यहाँ पर, उत्कृष्ट विद्यालय आनंदपुर हाई सेकेंडरी स्कूल और रुसल्ली हाई सेकेंडरी स्कूल। तो उत्कृष्ट उनके उत्कृष्ट का और आनंदपुर का जनवरी तक का पेमेंट हो चुका है, और रुसल्ली साहू रह गया है। रुसल्ली का पेमेंट बंटन कम होने के कारण पेमेंट नहीं हो पा रहा, उन लोगों के लिए नवंबर तक का पेमेंट हो गया है। समस्या ये थी कि हम लोगों का, जैसे अभी एक हफ्ते पहले 3 महीने का अतिथि शिक्षकों का बजट आया है, उसमें हमारे जो लटेरी ब्लॉक के जो अनंतपुर संकुल के बाबू हैं, उन्होंने अपने यहाँ के अतिथियों की 5 महीने की वेतन डाल ली, और जो गर्ल्स संकुल है उन लोगों ने अपने यहाँ के 5 महीने की अतिथि शिक्षकों की वेतन डाल दी, और जो रुसल्ली DDO है उसके अतिथि शिक्षक 45 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, उनमें से किसी भी अतिथि शिक्षक की एक दिन की वेतन नहीं डाली गई।